हिमाचल हरियाणा पंजाब का बॉर्डर हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे पिछले दो महीनों से किसानों के कब्जे में था, लेकिन 26 जनवरी के बाद किसानों से छुड़वा लिया गया, जिससे किसानों ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। किसानों का कहना है कि जब तक तीन नए कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक किसान हर टोल नाके को इसी तरह बाधित करते रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा पंजाब के चंडीगढ़ बॉर्डर पर, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा हिमालयन एक्सप्रेस है, जिसमें दो दिन पहले किसान थे, परंतु कल जो है इनको हटा दिया गया था और आज दोबारा जो है किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। और मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं किसान के नेता, जिनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो ये था, ये क्यों बंद किया गया था और आज फिर दोबारा क्या हुआ, क्या कारण था कि दोबारा आ पा। ये इसलिए कल बंद किया गया था कि हमारा जो गवर्नमेंट ने दिल्ली में हमारा आंदोलन खराब किया, उन्होंने एक साजिश के तहत लाल किले पे एक साजिश के तहत उन्होंने ये सब कुछ घटनाक्रम करवाया, उसकी वजह से इन्होंने आंदोलन को गिराने के लिए ये सारा कुछ किया। उस करके थोड़ा हमारे को लग रहा था कि हमारे नौजवानों के या किसानों के मन डलाए मन हो रहे हैं, इसलिए हमने दिल्ली की मूवमेंट गर्म करने के लिए, रेगुलर रखने के लिए हमने, क्योंकि हम डाइवर्ट ना हों इसलिए हमने यहाँ से उठे थे। लेकिन रात जैसे ही टकैत साहब का घटनाक्रम हुआ, आपने देखा उन्होंने हमारे में ऐसी जान फूंकी कि दोबारा से कई गुना 20 गुना ज्यादा एक एनर्जी के साथ ये आंदोलन खड़ा हुआ रात से। और कोई भाई बहन हमारे साथ किस तरह की, आप बोलेंगे कुछ थोड़ा सा? बोलेंगे जी बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद आप यहाँ पहुँचे हैं, पर बात यह है कि हमारी बात कहीं पर ज्यादा करो, क्योंकि यहीं आगे हम आपकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए ही आए हैं, ताकि आप लोगों की ये जो जो भी आवाज है वो एक अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो बात हमारी एक ही है कि हमारा जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण चल रहा था, आगे भी चलना है। सरकार हमारे डंडे मारे, सोटे मारे, पानी गिरे, गोले मारे, जी हमारा आंदोलन चलेगा शांतिपूर्वक, वो चाहे चल रहा है। कुछ सरकार ने बंदे छोटे बीच में, पता नहीं कौन है, कोई कहता है आरएस के बंदे हैं, कोई भी छोटा जी, ठीक है नहीं, उन्होंने हमारा पूरा तंत्र खराब किया है, लेकिन हम इसको खराब नहीं होने देंगे। हम उसके लिए हम सब एक हैं, पर ये नहीं है कि यार ये लोग कौन है, ये हमारे देश के लोग हैं, हम कोई बाहर से थोड़े आए हैं, हमने वोटें डाली हैं, वोटें डाल के हमने इसको बनाया है, सरकार बनाई है। अगर आज ही हम फिर अपने कोई कुछ दई हुई चीज वापस कर रहे हैं तो उसके खाता डंडे खा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं उनके लिए। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक हैं, हमने बटा हुआ कोई नहीं, लेकिन सरकार हमारे को बांटने की कोशिश कर रही है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हम इस आंदोलन को जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक चलाएंगे, और हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम इसको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन जहां हम बैठे हैं ये शांति ही रहेगी, और हम आगे भी जाकर सबको, हमारा बंदा कोई ऐसा नहीं है जो कोई हुल्लड़बाजी करता है, हम तो बैठ के आंदोलन करने वाले हैं, पर ये कुछ लोग आगे हमारे पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, वहाँ दिल्ली में देखा ही है आपने, जैसे मर्जी वो कुछ कर लें, पर हम हिलने वाले नहीं, हम किसी को कुछ नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे किसी को, कोई हमारे जो मर्जी मारो। तो आपने देखा कि किसान जो है बिल्कुल डटा हुआ है यहाँ पर, और वो अपने पूरी जोशो खरोश के साथ में यहाँ पर अडिग रूप से खड़ा हुआ है। अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।